नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी बताऊंगी। देखिए, आप सभी जानते होंगे गोंद के लड्डू सर्दियों में खाए जाते हैं, आपने खाए भी होंगे, ये शरीर को गर्माहट देते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके लिए हमें क्या क्या लेना है। देखिए, एक पतीले में मैंने 2 किलो गोंद लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। ये मैंने लिया है 10 किलो आटा, 10 किलो घी लिया है मैंने। अब देखिए, मैंने दोस्तों 10 किलो खांड ली है। अब करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, उसे अच्छे से साफ करके चूल्हे पर रख देना है। जैसे ये गर्म हो जाएगी, हम इसमें घी डालना शुरू करेंगे। गर्म हमें इसलिए करना है, कढ़ाई के अंदर अगर पानी होगा तो फिर वो छींटे लगते हैं घी के, इसलिए हमें दिक्कत होगी बनाने में। अब देखिए, हमने घी लिया, घी को हमने गरम कर लिया, ये हमने गोंद डाला इसमें। गरम घी की पहचान यही होती है कि गोंद डालते ही वो ऊपर आ जाता है फूल के। अब जैसे ही सारा गोंद फूल जाएगा, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा ही गोंद डाला है दोस्तों, क्योंकि अगर हम एकदम से ज़्यादा डाल देंगे तो वो आपस में ही खट्टा हो जाता है, चिपक जाता है वो, और उसमें हमें उसे निकालने में, पकाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम धीरे धीरे करके इसमें गोंद डालते जाएंगे। और देखिए, साइड में हम निकालने के बाद उसे पीस रहे हैं। ये मोटा है, इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो ये फूट जाता है। तो हमें ऐसे करके इसे फोड़ना है, पीसना है। सारा गोंद भुन चुका है और सारे गोंद को मैंने इस तरह से पीस लिया है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो कुछ दिक्कत नहीं है, उसका भी एक अलग टेस्ट होता है। अब देखिए, कढ़ाई में फिर से मैंने घी डाला। घी डालने के बाद उसमें आधा आटा, क्योंकि 10 किलो ज़्यादा हो जाता है, वो एक बार में भूना नहीं जाता, इसलिए हाफ आटा मैंने अब लिया। इसे हम धीरे धीरे भूनते रहेंगे। इसे दोस्तों लगातार चलाते रहना होता है, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाता है, जल जाता है, फिर लड्डुओं में जली जली सी स्मेल आती है, तो उससे वो टेस्ट नहीं आता उसमें। चलिए, हमारा आटा लगभग भुनने ही वाला है। देखो दोस्तों, हमारा आटा भुन चुका है, आपने पहले कलर देखा होगा, अब कलर देखो, ठीक है। अब जैसे ये भुन जाएगा अच्छे से, इसमें खुशबू आने लग जाती है, आप खुशबू से ही अंदाज़ा लगा लोगे कि आटा भुन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से निकालना, क्योंकि बहुत गर्म होता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से किसी एक प्लेट की हेल्प से इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है फटाफट, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है। अगर मैं इसे जल्दी नहीं निकालूंगी तो फिर से नीचे लग जाएगा, ये जल जाएगा। अब देखिए, दूसरी बार फिर से मैंने घी डाला और फिर से उसमें जो आधा बचा हुआ आटा था वो डाला। अब देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी, मैं दिखा नहीं पाई आपको पूरा। वो आटा जैसे हमने पहले भूना था वैसे ही ये भुन जाएगा। और मैंने इन दोनों भुने हुए आटों को एक साथ मिक्स कर लिया, एक उसी कढ़ाई में डाल लिया, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन अभी घर में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने इस कढ़ाई को यूज़ किया। तो अब इसमें ये गोंद जो मैंने शुरुआत में पीसा था वो भी इसमें डाल लिया है, और कढ़ाई में आटा गर्म है, जो हमने आटा भुना है वही। तो ये गोंद देखो चिपक गया है, क्योंकि घी है वो सर्दी की वजह से जम गया है। अब जैसे ही गर्म आटे में ये मिलेगा, ये फिर से मेल्ट हो जाएगा, आराम से ये मिक्स हो जाएगा। सर्दी का मौसम है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए हम इसे अंदर लेकर आ गए। अब आटे में हम गोंद मिला रहे हैं। इसे भी मिलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि आटा गर्म था, हम हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे इसके, और क्वांटिटी ज़्यादा थी इसकी, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। अगर थोड़ा बनाते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अभी ये हमने इसमें खांड डाल दी है, बूरा भी बोलते हैं इसे, पाउडर शुगर भी बोलते हैं, हमारे इधर इसे खांड बोलते हैं, आपके जो भी बोलते हैं आप यूज़ कर लीजिए इसे। अब डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे एक प्रॉपर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब हम लड्डू खाएंगे तो उसमें कहीं हमें मीठा लगेगा, कहीं हमें फीका लगेगा, इसलिए ये भी एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि इसे अच्छे से मिक्स करना। चलाते रहेंगे,
देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतना ही टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा है ये, इसलिए उससे मेरे से हो नहीं रहा था उस पलटे की हेल्प से, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने फिर से उसी प्लेट को यूज़ किया और उससे इजीली ये हो गया। इतना करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है मीठा तो आप और ऐड कर सकते हैं। ये इसकी मिक्सिंग लगभग ख़त्म होने वाली है, देखिए दोस्तों हमने अच्छे से खांड को मिला लिया। मिलाने के बाद हमने चेक भी कर लिया था, हमें हमारे हिसाब से वो ठीक लगा, इसलिए हमने इसमें और ऐड नहीं की। अगर आपको कम लगे तो आप मिला सकते हैं, क्योंकि मीठा तो हम अपने हिसाब से ही खाते हैं, किसी को अच्छा कम लगता है, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं, ये गर्म है इसलिए लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए इसे थोड़ा सा हम फैला रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए गर्म और लड्डू इजीली हम बना सकें। अगर आप नए नए हैं, कुकिंग आप शुरू ही कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा बना के पहले देख लीजिए, अगर आप इतना ज़्यादा बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। मैंने खुद ये अपनी सासू माँ के साथ साथ बनाया है, क्योंकि मुझसे तो इतना ज़्यादा बनाना मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना बना पाऊँगी, इसलिए सासू माँ की मम्मी की हेल्प से मैंने ये सब किया। मम्मी ने भी काफ़ी मदद की, मैं भी कर रही थी, तो हमने मिलके ये सब बना लिया। अब हम कर रहे हैं इसके लड्डू बनाना स्टार्ट, तो देखिए देखिए दोस्तों लड्डू बन चुके हैं, बना के हमने रख दिए हैं। रखे हमने इसलिए हैं किसी बड़े बर्तन में ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और फूटे ना, क्योंकि घी इसमें होता है, घी गर्म होता है, और अगर हम इन्हें अभी दबा के रख देंगे तो ये फूट जाएंगे, इसलिए हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और फिर बर्तन में डाल के रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे बनाइए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसे लगे। थैंक यू।